हेलो माय सर, डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में रहता है कि हमने हमारे दांत निकलवा लिए हैं, अब इसके बाद हम हमारे नकली दांत लगवाएं नहीं लगवाएं, अगर हम नहीं लगवाते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट सिर्फ आपके मुँह में ही नहीं, आपके पूरे शरीर पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर हमने एक या दो दांत निकलवा भी लिए हैं बट मुंह में बाकी इतने सारे दांत हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एक या दो दांत निकलवा लिए हैं नहीं लगवाए तो बाकी सारे दांत तो हैं, उसकी हेल्प से हम खाना इजीली खा सकते हैं। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिटेल में देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने जो दांत निकलवाते हो किन किन कारणों से निकलवाते हो। सबसे पहला कारण है कि अगर आपके दांतों में दर्द है उस वजह से आप अपना दांत निकलवा रहे हो, कि आपका दांत इतना सड़ गया है कि उसको बचाया ही नहीं जा सकता था, RCT उसमें हो ही नहीं सकती थी इसलिए आपने दांत निकलवाया है, आपके दांत में पस था या आपका दांत हिल रहा है, यही कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आप अपने दांत निकलवाते हो। ऐसा कोई भी नहीं करता कि दांत बहुत अच्छा है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है और जाके अपना दांत निकलवा ले, ऐसा कभी नहीं होता है। तो किसी न किसी कारण की वजह से ही दांत निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि मुंह में चाहे कितने सारे भी दांत हो, यानी अगर आपके मुंह में 32 दांत भी होते हैं तो हर एक दांत का अलग अलग फंक्शन होता है, यानी हर दांत जो है वो अपना अलग अलग काम करता है। जो एक दांत होता है उसकी अपनी एक जगह होती है, यानी एक सॉकेट होता है, यानी हड्डी के अंदर जो फिट किया हुआ होता है, हड्डी के अंदर जहाँ पे दांत होता है उसको हम लोग सॉकेट कहते हैं। इस तरीके से हम समझ के चलते हैं कि जैसे आपने दांत निकलवाया तो उधर एक गड्ढा हो गया, अगर आप अपना टाइम से दांत नहीं लगवाते हो या फिर अपने नकली दांत लगवाने के बारे में काफ़ी टाइम आप सोच रहे हो कि लगवाएं नहीं लगवाएं, तो कई बार क्या होता है कि जो आपके आसपास के दांत हैं, मतलब जो आपके आसपास के जगह उस दांत के जो दांत आपने निकलवाए हैं उसके आगे वाला और पीछे वाला जो दांत है वो धीरे धीरे करके उस गड्ढे के अंदर गिरने लगते हैं, यानी टिल्ट होने लगते हैं। तो जैसे ऐसे समझिए कि ये दांत है, ये है, इसके बीच का दांत आपने निकाल लिया, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये इधर स्पेस में आ जाएगा और ये स्पेस में आते आते ये दोनों टिल्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से जो आपका ऑक्लूजन होता है, यानी ऑक्लूजन हम किसे कह रहे हैं, यानी सारे जो दांत है वो अपनी एक जगह पे जाके मिलते हैं नीचे वाले दांत से। तो अगर आपका जो दांत है वो ऐसे टिल्ट हो गए, जो इसके ऊपर के दांत है वो अब इसके सही जगह पे नहीं मिल रहा है, तो वो आपका ऑक्लूजन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार लोगों को ये लगता है कि मैंने तो दांत निकलवाया था, मेरे तो एक दो साल हो गए बट मेरे तो कभी भी टिल्ट नहीं हुए हैं दांत, तो ऐसा होता है या नहीं होता। तो हम ये बात करें, कुछ लोगों में ये जो दांत है जो अंदर की साइड गिरते हैं ये बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं, कई लोगों में ये कुछ सालों बाद देखने को मिलते हैं, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जिसके बाद आपका ऑक्लूजन खराब होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि आपके शरीर पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोगों का क्या रहता है कि जब उन्होंने अपने एक साइड से दांत निकलवा लिया या फिर आपको दर्द था उस साइड पे तो आपने उस साइड से खाना बंद कर लिया तो आप सिर्फ एक साइड से खाना खा रहे हो, या फिर कई लोगों का रहता है दांत निकलवाने के कुछ समय बाद तक वो खाना नहीं खाते और धीरे धीरे जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसको आदत पड़ जाती है कि वो सिर्फ एक ही साइड से खाना खाते हैं और दूसरी साइड से खाना खाना छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, अगर आप एक ही साइड से खाना खाओगे तो दांतों का काम होता है कि वो खुद क्लीन होते हैं, जैसे आप किसी भी दांत पर अगर खाना खाते हो तो वो दांत ज़्यादा साफ रहता है, आपको आगे चल के कैलकुलस या टाटर की डिपोजिशन नहीं देखनी पड़ती है। अगर इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि आप दोनों साइड से बराबर खाएं, कि आप अगर दोनों साइड से खाते हैं तो आपके सारे दांत एकदम साफ और हेल्दी रहते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर काम में लेना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीज़ ख़राब होने लगती है। आप नॉर्मल किसी भी चीज़ को देख लो, अगर आप अपने किसी भी चीज़ को अगर यूज़ में लेना बंद कर दोगे तो वो ख़राब हो जाती है। ऐसा ही हमारे दांतों के साथ भी होता है कि आप अगर सिर्फ एक ही साइड से खा रहे हो, दूसरी साइड से नहीं खा रहे हो, तो आपका क्या है कि दूसरी साइड के जो दांत हैं वो आगे पीछे होने लगते हैं, उसमें टाटर का डिपोजिशन हो जाता है, उसमें गंदगी जमने लगती है क्योंकि वो क्लीन नहीं हो रहा है टाइम से। तो एक कारण तो हम ये भी मान सकते हैं कि आपको आदत पड़ गई है एक ही साइड से खाने से, और आप एक ही साइड से खाते हो तो आपके जॉइंट्स में भी थोड़ा पेन होना हो सकता है कि आप एक ही साइड से खा रहे हो, दूसरी साइड से नहीं खा रहे हो, तो धीरे धीरे ये आगे जाके आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो सबसे कॉमन जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो क्या मिलता है कि आपके जो हड्डी है, अगर आपने वहाँ दांत नहीं लगवाया तो धीरे धीरे क्या होता है, दोनों दांतों के बीच की हड्डी धीरे धीरे नीचे जाने लगती है,
नीचे खिसकने लगती है, तो आसपास के जो दांत हैं उसकी जो है जड़ें दिखने लगती हैं मुंह के अंदर, ऐसा भी काफ़ी लोगों में देखा गया है। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि जब आपका ऊपर का दांत है, जहाँ आपने दांत निकला है उसके जस्ट जो ऊपर का दांत है अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर दोनों दांत जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर टिके रहते हैं, अगर मैंने ये नीचे वाला दांत हटा लिया तो अब ये ऊपर वाला जो दांत है वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। अगर मैं ऐसे ही करके ऊपर का दांत निकलवा लिया है तो नीचे वाला दांत धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, इसको हम लोग सुप्रा इरप्शन कहते हैं। सुप्रा इरप्शन से क्या होता है, जो दूसरा अपोजिट दांत है वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और वो आपको ऑक्लूजन में भी प्रॉब्लम करता है, यानी मुंह खुलने के टाइम भी अगर हो सकता है ज़्यादा ऑक्लूजन में आ गया है, वो ज़्यादा आ गया है तो वो किसी दांत को टच कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर कई बार देखा गया है कि सुप्रा इरप इतना हो गया कि जो ऊपर वाला दांत है उसकी जड़ें भी मुंह में दिखने लग गई हैं। बात करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने दांत नहीं लगवाया, अगर बाकी सारे दांत हैं उससे आप आराम से चबा के खा रहे हो, आपको लगता है कि आप चबा के खा रहे हो, बट धीरे धीरे क्या होता है कि आप उसको इतने अच्छे से नहीं चबा पाते हो, क्योंकि एक साइड तो आपके दांत नहीं है, यानी जहाँ आपने दांत निकलवाया अगर आप उस साइड को भी यूज़ ले रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक साइड से नहीं, वो दांत निकलवाने के बाद भी दोनों साइड से खाना स्टार्ट कर देते हैं, बट क्या होता है जहाँ पे आपका दांत नहीं है उस साइड से जब भी आप चबाते हो तो इतने अच्छे से और इतना पतला आप नहीं चबा पाते हो, तो वो क्या होते हैं मोटे मोटे जो भी पार्टिकल्स होते हैं, यानी खाना आपने चबाया है बट मोटे मोटे टुकड़ों को अगर आप सीधा अंदर लेके चले जाते हो तो आपके डाइजेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी डाइजेशन करने में बॉडी को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पतला पतला खाना, अगर दांतों से आपको कहा जाता है कि खाना अच्छे से चबा के खाएं, वो इसलिए कहा जाता है कि आप जितना खाने को पतला करके चबाते हैं, जितनी ज़्यादा देर तक चबाते हैं खाने को डाइजेस्ट होने में यानी पचने में उतना ही कम समय लगता है। तो अगर आपके दांत नहीं है तो आप उतनी अच्छे से नहीं चबा पाते हो, तो आपकी जो पाचन क्रिया है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब आपने दांत निकलवा लिया है तो उसके बाद आप नकली दांत ज़रूर लगवाएं। नकली दांत ना लगवाने के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, तो आपको ये सारे नुकसान ना सहने पड़े तो इसके लिए आप अभी टाइम से अपनी नकली दांत ज़रूर लगवाएं। नकली दांत लगवाने में आपको कोई पेन नहीं होता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहती है, दांत लगवाने के बाद आप आपका ऑक्लूजन मेंटेन रहता है, आपका ऊपर वाला दांत सुप्रा इरप नहीं होता, आसपास के दांत टिल्ट नहीं होते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। तो अगर अभी तक आपने अपना नकली दांत नहीं लगवाए हैं, आपने कोई दांत निकलवाया है और अभी तक आप कंफ्यूजन में हो कि आप दांत लगवाएं नहीं लगवाएं, तो प्लीज़ अपने दांत जाके जल्दी से लगवा लें। और अगर अभी आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि नकली दांतों को लगवाने से आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए, आप हमसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया या आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नकली दांत लगवाने के बारे में काफ़ी अलग सोचते हैं, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चले कि क्या प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है और वो भी अपने दांत जल्दी से जल्दी लगवा सके। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कुछ ऐसे लोगों के साथ भी जिनको इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।